So good morning all of you. Bete, concepts of revenue we have already completed. We have done the relationship among total revenue, average revenue and marginal revenue in different market situations. Now coming to revenue curves under different market situations. So whenever a question comes to you, when you are asked to discuss about the revenue curves in different market situation, or he may even ask you revenue curve under perfect competition, only under monopoly or monopolistic competition, or he may even ask you to draw revenue curves, in a single diagram. In that case, bete, revenue curves mein hum total revenue ko consider nahi karte hain. जब आपको क्वेश्चन आता है ना, ड्रॉ दी रेवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट सिचुएशन, एक्सप्लेन दी रेवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, इन दैट केस वी कंसिडर ओनली एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स. ठीक है, सो लेट अस सी फर्म्स रेवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट सिचुएशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. बेटे, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट ए प्राइस मेकर. क्या मतलब? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म उसी प्राइस पे, एग्जिस्टिंग प्राइस पे, जो प्राइस मार्केट डिटरमिन करती है या इंडस्ट्री डिटरमिन करती है, एक ही बात है, मार्केट या इंडस्ट्री डिटरमिन करती है, ठीक है, उसी प्राइस पे हर फर्म को अपने प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं. वो अपना प्राइस खुद फिक्स नहीं कर सकती. फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें, मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाएंगे. परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, आप चाहो तो मैं इसके साथ आपको छोटा सा एक टेबल भी बना देती हूँ. आउटपुट सोल्ड जल्दी जल्दी बन जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. से 1, 2, 3, 4, 5. एवरेज रेवेन्यू कॉन्स्टेंट रहता है, से 10 रुपीज. तो टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड. टोटल रेवेन्यू क्यों फाइंड आउट करना पड़ा? क्योंकि हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो 10, 10, 10, राइट. सो इसका अगर हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को ड्रॉ करें तो हमारे पास बेटे इधर AR और MR, बिना स्केल के मैं बनाऊंगी, जरूरत ही नहीं है स्केल की. यहां पर आउटपुट सोल्ड, ठीक है, तो हमारा जो AR कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, MR कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, MR को इनसाइड्स विद AR, ठीक है. सो आप लिख सकते हैं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन firms AR curve is a horizontal straight line implying that a firm can sell any quantity. ये देखो, चाहे तो OM बेचे OP पे, चाहे तो OM1 बेचे, चाहे तो OM2 बेचे, फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट सेम प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस. सो AR बीइंग कांस्टेंट, MR इज आल्सो कांस्टेंट. जहां पर प्राइस कांस्टेंट है बेटे, वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा. AR बीइंग कांस्टेंट, MR इज आल्सो कांस्टेंट एंड AR is equal to MR. ठीक है, AR is equal to MR. ये हो गया हमारा revenue curve under perfect competition. Next है बेटे revenue curve under monopoly. अब monopoly आपको पता है कौन सी market situation है? ये वो market situation है where there is a single seller of the product which has no close substitutes. इसका अपने प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल है. इसको ये अपना प्राइस खुद फिक्स कर सकती है. मोनोपोली फर्म जो है, इसको कोई इंडस्ट्री इसके प्राइसेस नहीं फिक्स करती. मोनोपोलिस्ट क्योंकि सिंगल फर्म है,
पूरी इंडस्ट्री में फर्म है या इंडस्ट्री है एक ही बात है, एक ही फर्म है उसी को हम इंडस्ट्री कहते हैं, वो अपना प्राइस खुद फिक्स करेगी, यानी मोनोपोलिस्ट का अपने प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल है। बट इवन दो पूरा कंट्रोल है, फुल कंट्रोल है, फिर भी उसका जो डिमांड कर्व है जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है, वो उसके आगे कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है। मतलब अगर एक मोनोपोलिस्ट को अपनी सेल बढ़ानी है तो उसको अपना प्राइस कम करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज द शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक आउटपुट सोल्ड एंड देन वी विल टेक एआर। So, if we want to sell one product, he can fix the price at 10 rupees. But if the monopolist wants to sell more, he will have to reduce the price, say to 9. To sell more units, further he will have to reduce the price. Okay, in this way, he will have to reduce the price if he wants to increase his sale. So, let us calculate total revenue, which is price multiplied by quantity sold. It comes out to be 10, 18, 24, 28, 30, 30, 7 tak le lo, 28. Now, let us estimate marginal revenue. 10 minus 0, 18 minus 10, 24 minus 8, 4, 2, 0, minus 2. ठीक है, अब हमको AR और MR कर्व ड्रॉ करने हैं। तो आपको पता ही चल रहा है जैसे जैसे हम ज्यादा आउटपुट बेच रहे हैं AR फॉल हो रहा है, यानी AR कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड MR इज आल्सो फॉलिंग, व्हिच मींस MR विल आल्सो बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। लेकिन MR की वैल्यूज AR से कम है, देख रहे हो 10.8642 और ये 10.98, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, बट the you know values of MR are less than AR, which means MR lies below AR, ठीक है। And secondly MR zero भी है, negative भी है, लेकिन AR keeps on falling, AR being price it keeps on falling, is never zero, is never negative. So बेटे इसका AR और MR curve जब आपने बनाना है एक बात ध्यान में रखनी है, सुन लीजिए पहले फिर बनाना शुरू करना है आपने। इस ये जो कर्व है ना ये ज्यादा इलास्टिक नहीं बनाना, इन इलास्टिक बनाना है, ठीक है। ऐसे पहले देख लो, देन यू ड्रॉ एआर कर्व, क्लोजर टू वाई एक्सिस होना चाहिए, शुड बी क्लोजर, और ये एआर हो गया, ये एमआर हो गया, क्लोजर टू वाई एक्सिस, बहुत ज्यादा स्लांट ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। इट शुड बी इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक है। रेज योर हैंड्स वंस यू हैव डन इट सो दैट आई कैन स्टार्ट विद द अनदर मार्केट फॉर्म। जब आप ड्रॉ कर लोगे बेटे जस्ट गिव मी अ थम्स अप। इसके नीचे आप लिख लीजिए, सो अंडर मोनोपोली एआर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, अंडर मोनोपोली एआर कर्व स्लोप्स downwards, implying that monopoly firm must lower its price. Monopoly firm must lower its price in case it wants to sell more of its output. Yeah, in order to increase its sales. Seedha likh do. Monopoly firm must lower its price in order to increase its sale. MR also falls, but it falls faster than AR. देखो,
it falls faster than AR. So MR curve lies below AR. MR curve lies below AR. ठीक है, चलें आगे बेटे. लिख लिया आप सबने? AR slopes downwards, so which implies that firm needs to reduce its price in order to sell more. MR also falls, but it falls faster than AR, so MR will be less than AR. That is, MR curve lies below AR. ठीक है, चलें आगे बेटे. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात करते हैं हम, तो उसमें आउटपुट सोल्ड. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन वो मार्केट सिचुएशन है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं. दे आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. यानी अगर एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट महंगा कर देता है तो कंज्यूमर उसका प्रोडक्ट छोड़ के किसी और प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट खरीद सकता है, क्योंकि सबके प्रोडक्ट्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं. ठीक है, सो ड्यू टू दिस वेरी रीजन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो फर्म एग्जिस्ट करती है उसका अपने प्राइस के ऊपर कंट्रोल तो है पर पूरा कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल कैसे है? कंट्रोल ऐसे है कि प्राइस इंडस्ट्री नहीं फिक्स कर रही, मार्केट फोर्सेस नहीं फिक्स कर रहे. हर फर्म अपना प्राइस, अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद फिक्स करेगी. लेकिन पार्शियल कंट्रोल क्यों है? क्योंकि बेटे वो अपना मन मर्जी का प्राइस नहीं फिक्स कर सकती. अगर मन मर्जी का प्राइस फिक्स कर दिया, से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो उस केस में कंज्यूमर्स जो हैं अपनी डिमांड स्विच कर देंगे फ्रॉम हिज प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट. सो उसका पार्शियल कंट्रोल क्यों है? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इन द मार्केट. मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उसके प्रोडक्ट के, तो वो चाहते हुए भी प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकती. ठीक है, तो बेटे इस केस में आउटपुट सोल्ड वैसे ही 1 to 7 लिख दीजिए. प्राइस ऑब्वियसली इसमें भी सेलर को अगर ज्यादा यूनिट्स बेचने हैं तो उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा. रीजन बीइंग इतना तो कॉम्पिटिशन है. मैं जो ये चौक यूज कर रही हूँ इसके 1000 प्रोड्यूसर इंडिया में बैठे हुए हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि हमारा स्कूल यही चौक खरीदे, है ना, हर स्कूल उनका चौक खरीदे, तो उनको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा. तो इन दिस केस प्राइस विल फॉल फ्रॉम 10 to 9.5 to 9 to 8.5 to 8 to 7.5 to 7. आउटराइटली बहुत ज्यादा चेंज नहीं है इस केस में. इस केस में 1-1 का चेंज था, इसमें 0.5 का चेंज है. ठीक है, तो क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है इसलिए वो अपने प्राइस के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल नहीं है. तो टोटल रेवेन्यू देखते हैं. प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड 10, 19, 27, 34, 40. दिस वुड कम आउट टू बी 16.6, 45.5, 49. This I need to check. ठीक है, MR 10-0, 19-10, 27-9, 34-7, 40-34, 45-4. ठीक है, नाउ इन दिस केस ऑल्सो AR फॉल्स, MR also falls, and MR falls faster than AR. So MR curve, MR is less than AR, which means MR would lie below AR. AR downward sloping होगा पता चल रहा है, MR भी downward sloping होगा पता चल रहा है, और MR की values AR से कम है तो MR curve AR के नीचे रहेगा. लेकिन ये बिल्कुल, आप बोलो मैम तो ये बिल्कुल monopoly जैसा हो गया. There is one big difference. मोनोपोली में भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कर्व्स बनेंगे अगर आप इनको स्केल के साथ बनाएंगे तो ये जो कर्व्स बनेंगे दे विल बी मोर इलास्टिक.
So here I am drawing. You just wait for me to draw and then you draw. पहले आप देखेंगे उसके बाद draw करेंगे. अब यहां पर जो AR curve मैंने बनाना है वो मैंने इलास्टिक बनाया. Can you see the difference? AR और इसमें difference देख सकते हो? ठीक है. और MR below this. ठीक है, MR इसके नीचे है लेकिन वो भी इलास्टिक है. इसका कारण मैं बता देती हूं आपको, समझा देती हूं अभी. पहले आप ड्रॉ कर लीजिए. ये कर लिया बेटे ड्रॉ, मैंने रब कर दिए. आप देख लो, मैं दोबारा से लिख देती हूं. ठीक है, बेटे दोनों में डिफरेंस क्या है? यू कैन इवन राइट इट डाउन, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू कर्व्स ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज दैट रेवेन्यू कर्व्स ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोली आर लेस इलास्टिक. It means with a given change in price, there is less than proportionate change in demand. With given change in price, there is less than proportionate change in डिमांड. समझो इसका मतलब क्या है. ये ए आर कर्व है ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोली. ठीक है, समझ लो. अब सपोज करो मोनोपोलिस्ट ने अपना प्राइस फिक्स किया ओपी. ओपी पर उसके प्रोडक्ट की डिमांड है OM. अब ये क्योंकि मोनोपोलिस्ट है, इसका अपने प्राइस के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है, तो ये चाहे तो अपना प्राइस बढ़ा या कम कर सकता है. सपोजिंग इसने अपना प्राइस बढ़ा दिया टू ओपी वन. ठीक है, अब इस केस में ऑब्वियसली क्योंकि ये नेगेटिवली स्लोप है, प्राइस बढ़ा तो इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है, सो ये कम हो गई. अब कितनी डिमांड है OM1, कितनी कम हुई MM1, लेकिन प्राइस कितना बढ़ा था PP1. कैन यू टेल मी MM1 और PP1, दिस इज चेंज इन प्राइस, दिस इज चेंज इन डिमांड. इनमें कौन सा साइन आएगा इसके बीच में, ग्रेटर देन का कि लेस देन का? क्या प्राइस में चेंज ज्यादा है या डिमांड में चेंज ज्यादा है? सो इट इज ऑब्वियस बेटे, हमें दिखाई दे रहा है चेंज इन डिमांड इज लेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस. यानी अगर मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस 40% बढ़ा देता है तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ 20% कम हुई है. यानी उसकी डिमांड इन इलास्टिक है. जब डिमांड में चेंज कम आता है एज कंपेयर टू प्राइस, तो उस डिमांड को हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है, तो क्या कारण क्या है? एक मोनोपोलिस्ट 40% प्राइस बढ़ा दिया भाई, फिर भी उसके प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ 20% कम हुई. कैन यू टेल मी व्हाई इज इट सो? कैन एनीवन टेल मी ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइस बढ़ती जा रही है, डिमांड लोग कम ही नहीं कर रहे. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? यस गर्ल, कैन यू टेल मी ऐसा क्या है मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट में कि वो प्राइस 40% बढ़ा रहा है, हम उसकी डिमांड सिर्फ 20% कम कर रहे हैं? यस मेघा, ट्रू. वन आंसर आई हैव गॉट फ्रॉम मेघा एज यूजुअल. देयर आर जस्ट 3-4 स्टूडेंट्स हु आर रिस्पोंडिंग इन द क्लास. ओके हर्षिका, कैन यू टेल?
So, bete, there are no close substitutes available of a monopolist. Monopolist जो product बेच रहा है उसका कोई close substitute available नहीं है. तो इसका मतलब अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाएगा आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, यानी उसकी डिमांड बहुत ही कम कम होगी. जब आप प्राइस बढ़ाएंगे 40%, डिमांड सिर्फ कम होगी 20%. ठीक है. सो यस, मोनोपोलिस्ट सेल द प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. हर्षिका हैज ऑल्सो गिवन द आंसर. वेरी गुड, शाबाश बोथ ऑफ यू. ठीक है. सो इसका मतलब डिमांड का of a monopolist is inelastic. ठीक है. इन इसको क्या बोलते हैं, inelastic, क्योंकि उसकी डिमांड inelastic हुई ना, तो इसका डिमांड कर्व क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व फेसिंग मोनोपोलिस्ट इज inelastic. अब हम बात करते हैं फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, उसका डिमांड कर्व ऐसा है, इलास्टिक, फ्लैट. कारण क्या है देखते हैं. सपोज करो इसका प्राइस है ओपी और ओपी पर इसके प्रोडक्ट की डिमांड ओएम है, राइट. अब इसने अपना प्राइस बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ाया, उसने कहा मैं ओपी वन, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है तो मुझे अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. इसने अपना प्राइस बढ़ा दिया, एज अ रिजल्ट डिमांड कम हो गई. डिमांड कितनी कम हुई, डिमांड हो गई ओ एम वन, यानी एम एम वन से कम हो गई. अब दिस इज चेंज इन डिमांड, दिस इज चेंज इन प्राइस. इसके बीच में कौन सा साइन आना है, विच इज ग्रेटर. हेयर द डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन प्राइस. यानी डिमांड में कम चेंज आया, फिर भी प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज, सॉरी प्राइस में कम चेंज आया, फिर भी डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया. रीजन बता सकता है कोई, रीजन व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन. ये जो पेन आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये 50 रुपए का आता था, सेलर ने क्या किया, इसको 55 रुपीज का कर दिया, 10% इसका प्राइस बढ़ा दिया. अब आपने क्या किया, आपने कहा 55 पे, नहीं मैंने नहीं 55 पे लेना, मैं कोई और पेन ले लेता हूं. ठीक है, बहुत सारे सेलर बायर्स ऐसे ही सोचेंगे. आपकी ये सोच क्यों आई, क्योंकि पेन के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. अगर वो पेन का मोनोपोलिस्ट होता तो आप पेन 55 पर भी ले लेते, लेकिन अभी क्या है, पेन के बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. जो पेन का सेलर है वो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में एग्जिस्ट कर रहा है, मोनोपोलिस्ट नहीं है. ठीक है, तो उसके प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, राइट ईशा, यू हैव गिवन द राइट आंसर. सो दिस कर्व इज इलास्टिक बिकॉज देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट अवेलेबल. ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए. आपने पहले लिखा था कि जो डिमांड कर्व है फेसिंग मोनोपोलिस्ट वो इनइलास्टिक है. ठीक है, उसका रीजन लिखा था, विद गिवन चेंज इन प्राइस there will be less than proportionate change in quantity demanded. The reason is that there are no close substitutes of monopolist available in the market. There are no close substitutes of the monopolist available in the market. Uske baad aapne monopolistic competition mein likha. Under monopolistic competition, AR curve is more elastic. AR curve is more elastic. It means that in response to a given change in price, in response to a given change in price, there will be more than proportionate change in demand. There will be more than proportionate change in demand. It is because in a perfectly competitive market, it is because in a perfectly competitive market, goods have
close substitutes. Goods have close substitutes. ठीक है. So इसमें एक last question लिख लीजिए. Draw. Next part. Draw. Firms demand curve or a revenue curve under different market situations. Draw firms demand curve or a revenue curve under different market situations in a single diagram. In a single diagram. तो बेटे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में कि एक सिंगल डायग्राम में, जैसे एसी एमसी हमने सिंगल डायग्राम में किया था, अभी क्या है रेवेन्यू कर्व्स ही बनाने हैं. डिमांड कर्व मींस फर्म का एआर कर्व. ऑलवेज रिमेम्बर डिमांड कर्व मींस फर्म्स एआर कर्व. तीनों मार्केट सिचुएशन के सिंगल डायग्राम में बनाने हैं. तो आउटपुट सोल्ड विल बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड एआर ऑन वाई एक्सिस. सबसे पहले हम बना देंगे परफेक्ट कंपटीशन का. इसको मैं नाम दे रही हूँ डी पी सी. डी स्टैंड्स फॉर डिमांड कर्व, पी सी स्टैंड्स फॉर परफेक्ट कंपटीशन. फिर मैं मोनोपोली का बना रही हूँ डी एम. डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली. इन इलास्टिक है, यू कैन सी. ये आ गया डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. इन तीनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने भी पीछे एक्सप्लेन कराया, इट इज परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल कर्व इंप्लाइंग दैट फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस. इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग इंप्लाइंग दैट फर्म नीड्स टू रिड्यूस इट्स प्राइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल. इट इज इन इलास्टिक बिकॉज ऑफ अवेलेबल नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. DMC, that is the demand curve of a firm under monopolistic competition, is downward sloping, implying that a firm has to reduce its price in order to increase its sale. It is more elastic because of the availability of close substitutes. Right?